वृंदावन में पार्टी आला कमान के आदेशों के अनुपालन में प्रदेश भर में निकाली जा रही कमान संदेश यात्रा अंतर्गत शुक्रवार को प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के निर्देश में वृंदावन में कमान संदेश यात्रा निकाली गई, जिसका शुभारंभ नगर निगम चौराहे स्थित गांधी पार्क परिसर में लगी गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में नगर निगम चौराहे से शुरू हुई संदेश यात्रा अनाज मंडी गौतम पाड़ा विद्या पीठ बाकी बिहारी मंदिर अटखंबा बनखंडी लोई बाजार निधिवन गोपीनाथ बाजार रंगजी मंदिर होती हुई निगम चौराहे पर संपन्न हुई। इस दौरान श्री शर्मा ने लोगों को पार्टी की रीति नीति से रूबरू कराया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए 1 दिसंबर से लेके और 15 दिसंबर तक पूरे प्रदेश भर में महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती को लेकर हम सब सांसद, सभी विधायक, सभी मंत्री, सभी हमारे पार्टी के पदाधिकारी हर पोलिंग बूथ पर जा रहे हैं और अपने जो हमारी बूथ समिति है उसका स्वागत कर रहे हैं और जो केंद्र की और राज्य की जो योजनाएं हैं जिनका लाभ उत्तर प्रदेश के जो गांव और गरीब जो लोग हैं उनको मिला है, उनके घर जा रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि पूरे देश भर में जो नरेंद्र भाई मोदी जी की गरीब कल्याण की जो योजना है उनका लाभ 22 करोड़ लोगों को मिला है और उत्तर प्रदेश में लगभग 3.5 करोड़ परिवार हैं जिनको सीधा सीधा लाभ नरेंद्र भाई मोदी जी की जो गरीब कल्याण की योजना है उनको मिला है। गरीब की झोंपड़ी में LPG का गैस का चूल्हा पहुंचा है, उस झोंपड़ी को धुएं से मुक्त कराने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। गरीब की झोंपड़ी में रोशनी पहुंची है, उस झोंपड़ी को अंधेरे से मुक्त कराने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। गरीब के घर को हमने इज्जत घर दिया, यानी कि शौचालय देने का काम किया है। 2 लाख का दुर्घटना बीमा 12 रुपये के हिसाब से और 330 के हिसाब से 2 लाख का जीवन बीमा और अब 5 लाख प्रति परिवार के हिसाब से आयुष्मान भारत का स्वास्थ्य लाभ देने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। गरीबों को 2022 तक पक्की छत देने का जो संकल्प है उसको हम लोग चरितार्थ कर रहे हैं और किसानों की आय 2022 तक दोगुनी हो उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमारी सरकार ने विकास किया है, विकास हम कर रहे हैं, विकास करेंगे। तो ये जो विकास की अलग है, जो अब तक गरीब को आज़ादी तो मिली हमारे देश को, लेकिन गरीब को धुएं से और अंधेरे से आज़ादी नहीं मिली। तो हमारे प्रधानमंत्री ने उनको अंधेरे से और धुएं से आज़ादी देने का काम किया है। घर में जो हमारी बहन बेटियां हैं उनको शौचालय देने का काम किया। तो इस संकल्प को लेकर, और क्योंकि महात्मा गांधी जी का संकल्प था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का संकल्प था कि जो पंक्ति में पीछे व्यक्ति है उसका उत्थान हो, तो ये उत्थान जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो अभियान चलाए हैं उनको चरितार्थ करने के लिए हमारी यात्रा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चौकीदार ने एक सुप्रीम कोर्ट के उसको पुतली बना दिया न्यायाधीश को। देखिए, राहुल गांधी जी बिना तथ्यों के बयानबाजी करते हैं, क्योंकि उन्हें ना इस देश की संस्कृति का कोई अनुभव है, ना इस देश के लोकतंत्र का उनको कोई अनुभव है। बुलंदशहर घटना को लेकर और झूठ बोलना, रोज बोलना राहुल गांधी जी की फितरत में है। राहुल गांधी जी स्वयं क्यों जवाब नहीं देते हैं कि जो नेशनल हेराल्ड केस में 5,000 करोड़ का फ्रॉड उन्होंने किया है, उस पर जमानत पर वो चल रहे हैं, उसमें वो अपना जनता को जवाब क्यों नहीं देते हैं? उन्हीं के वित्त मंत्री एयरसेल मैक्सिस डील में दोषी नंबर 1 पाए गए हैं। एयरसेल मैक्सिस डील में राहुल गांधी के जो मित्र हैं, जो चिदम्बरम के बेटे हैं, वो जेल जा चुके हैं और फिर कब जेल जाएंगे, उस पर राहुल गांधी क्यों जवाब नहीं देते? ये भाजपा के द्वारा लगाए गए आरोप नहीं है, ये तथ्य।